नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिलजापाल में। दोस्तों तो आपने SS राजामौली की फिल्म में बाहुबली जब आपने देखी थी तो उसमें एक सवाल उठा था कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। भाई ये फिल्म दूसरी तभी बनी क्योंकि ये सवाल उठा था और उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि ये मूवी बनाने वाले हैं, तो ये चीज़ पहले से ही आ चुकी थी। लेकिन ये फिल्म कटप्पा की वजह से इतनी ज़्यादा फेमस हुई, उसमें और कोई वजह नहीं थी। लेकिन भाई अगर आपको पता है कि वही कटप्पा बाहुबली को ही नहीं केवल पूरे ही महिष्मति साम्राज्य को मिटाने के लिए आया हो, तो भाई ऐसा ही हुआ था या नहीं हुआ था इसका कोई पता नहीं। लेकिन अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से SS राजामौली की खुद उसको एक और मूवी जो एनिमेशन द्वारा बनाई गई है वो पिक्चर का है जो है ट्रेलर आ चुका है, उसमें क्राउन ऑफ ब्लड बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड नाम से ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसमें हमें दिखाया जा रहा है कि महिष्मति साम्राज्य पर भाई रक्त देव नाम से एक राक्षस है, यानी कि विलन मान लीजिए उसको, वो हमला कर रहा है। उसके साथ उसका सेनापति कौन है पता है? कटप्पा। भाई मतलब उन दोनों के बाहुबली और भल्लाल देव एक साथ नजर आएंगे लड़ते हुए, जैसा कि बाहुबली 2 में हमें दिखाया गया था कि एक दुश्मन आया था उसकी लड़ाई हुई थी बाहुबली में हमें दिखाया गया था। लेकिन अब ये एक और विलन दिखाया जा रहा है जो कभी स्टोरी में कहीं और पहले के ऐड कर दिया हो, तो उसमें जो है कुछ एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं, रथ दिखाया गया था वो चक्र वाला, तो वो पहले से ही है उनके पास, तो वो इसमें भी यूज़ किया गया हो जैसे एनिमेशन द्वारा है जो बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। और मुझे देखने के बाद ये कहूँगा भाई एक ही पिक्चर से कितना पैसा कमाने वाला भाई ऐसा पहला आदमी देखा मैंने डायरेक्टर जिसने एक ही स्टोरी से कितनी 3 फिल्में बना चुका है, 2 तो बन चुकी हैं, 3री है और बाहुबली 3 भी शायद आ सकती है। तो इसमें जो स्टोरी कटप्पा दुश्मन होने वाला है इनका सामने, दोनों बाहुबली और भल्लाल देव एक साथ मिलकर लड़ने वाले हैं कटप्पा से और रक्तदेव से, और ये तो क्लियर पता है कि विजय तो होने वाली है। लेकिन शायद ये 2 पार्ट में बने क्योंकि इसका बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड इसका नाम रखा गया, बाहुबली दूसरी है उसका दूसरा नाम रख दिया जाए क्योंकि स्टोरी है भाई कुछ भी आगे बढ़ाते रहेंगे और बढ़ती रहेगी। तो भाई लोग इसको देखने के बाद मुझे तो सच बताऊं थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि भाई इसमें क्या होने वाला है, और मुझे इंतज़ार है क्योंकि मैं तो भाई मूवी देखता रहता हूँ। आप लोगों को भाई अगर एनिमेशन मूवी पसंद है तो देख सकते हो, और नहीं है तो भाई हम रिव्यू करेंगे तब बता देंगे, ठीक है? अभी तो आने में बहुत समय है। भाई लोग आपको रिव्यू कैसा लगा ये, आपको अच्छा लगा हो तो भाई लोग कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोग जय हिंद, राम राम।